We all may call Arvind Kejriwal the symbol of new politics and the brain that scripted history in a spectacular debut. AAP was just 14 months old when it won 28 out of 70 seats in the national capital, and Kejriwal became India's new political star. He went on to become the chief minister of Delhi by getting support from the Congress, although his government could only last for 49 days. In the last 9 months, no party has staked a claim to form the government. It was only in January that the Election Commission of India announced the dates for the Delhi polls. NNIS caught up with the man who has stood behind Kejriwal through thick and thin. NNIS exclusive. Arvind sir, matlab kisi se matlab ye darte nahi hain aur jo kaam karte hain khuleam karte hain. Kabhi na jhoot bolna na kabhi koi cheez matlab khuleam karte hain sab kuch. Aur unka matlab janta se bahut लगाव, बहुत मतलब जनता के लिए सब कुछ करना सोचते हैं. कि पहले मतलब क्या कोई ऐसा नेता नहीं सोचा, लेकिन कई समय बाद ऐसा कोई नेता आया है कि जनता के बारे में सोच रहा है. हम लोग मतलब जब ज्वाइन किए थे तो समय आईसी में थे हम लोग. उसके बाद जुड़ते गए, धीमे धीमे काम देखते गए, काम उनका अच्छा लगा. हम लोग को लगा कि नहीं, आगे समय में बहुत अच्छा होने हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग साथ दिए और भगवान आगे भी साथ देंगे. उसके बाद किस तरीके से जैसे आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम निकालना? आप जरूर कुछ ना कुछ और भी साथ में करते होंगे, पढ़ते होंगे, नौकरी करते होंगे या कुछ भी. कैसे समय निकालते हैं, कैसे हम लोग समय मतलब कि यह है कि हम लोग मालूम है कितने बजे निकलना है. यहाँ पे रात में आए हैं, रात के बाद हम लोग जाएंगे घर, तो घर से इतने बजे आना है हम लोग को. सुबह हम लोग टाइम से आ जाते हैं और उनका शेड्यूल हम लोग का जो बना होता है टोटल, हम शेड्यूल पर अपने चलते हैं. और खाने का क्या, खाने के समय पर ध्यान देना होता है, खाना खाए नहीं खाए, दवा खाए नहीं खाए, होटल मतलब उनको देखना होता है. और दूसरी चीज़ की कभी जनसभा में गए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी कोई पथराव ना करे, कोई वो चीज़ भी देखना होता है सब कुछ. नहीं, उस समय दिक्कत ये थी कि थोड़ा सा कि भीड़ माहौल था और कब कौन फेंका. अगर एक बार घटना होती है तो दूसरी बार अलर्ट हो जाते हैं हम लोग कि अगर कोई कुछ फेंकता है तो उसमें हम लोग ध्यान दें. अरविंद के अगर बात करें तो अरविंद को दो ऐसी क्या चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है जिससे अरविंद खुश होते हैं? जिससे पब्लिक से मिलना बहुत पसंद होते हैं वो, कि मतलब पब्लिक से मिलने दें, कोई डिस्टर्ब ना करें और अपना काम जिस चीज़ के लिए मतलब लड़ रहे हैं वो चीज़. और किस चीज़ पर अरविंद को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है? मतलब कोई बीच में टोके ना उनको, अगर कुछ बोलना है तो बीच में कोई बोले ना. वो शेड्यूल जैसे कि मतलब सुबह नाश्ता करके निकले, दोपहर में उनको 1:30 बजे 2 बजे चाहिए नाश्ता, लंच चाहिए, उसके बाद फिर शाम को हल्का फुल्का कुछ चाहिए, तो हम लोग देखते हैं, मैनेज करते हैं. अगर अरविंद के घर वालों को भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उनका कैसा रुझान रहता है, अरविंद इतना बिजी रहते हैं? हाँ, उनका मतलब वो है कि घर वाले तो नहीं देख पाते हैं, बट हम लोग पूरा देखभाल करते हैं. अगर हम लोग घर से निकलते हैं तो उसके बाद पूरा देखना होता है कि क्या खाए नहीं खाए, समय मतलब पूरा उनका देखना होता है. पूरी कैंपेनिंग में आप साथ थे, काफ़ी टाइम से अरविंद के साथ हैं, सब कुछ सर हर पल देखा आपने अरविंद का. अब दिल्ली की जनता कहाँ लेके जाएगी आम आदमी पार्टी? अब तो आप उस समय देखिएगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा. पावर्ड बाय NNIS.